हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाला हूं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस समय क्या चल रहा है। और दोस्तों इसको लेकर बहुत ही बड़े बड़े न्यूज़ निकल कर आए हैं, तो वो मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। और दोस्तों बता दें कि अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई इन सभी देशों में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इधर के बहुत सारे लोग कमाने के उद्देश्य से सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई में गए हैं और वो लोग चाहते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे तो फाइनली आप लोगों का जो सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। क्या न्यूज निकल कर आया है वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों साथ में ये बताऊंगा कि नेशनल हाईवे संख्या 28 से लेकर जो एयरपोर्ट है कुशीनगर का, वहाँ तक जो टू लेंथ का हाईवे बना है उसका अपडेट क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट तक जो टू लेंथ का जो हाईवे नेशनल हाईवे संख्या को जोड़ता है 28 को, तो वो ये सड़क है जो कि काफ़ी एक अच्छा है और बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि बीच में अभी इसका कुछ काम भी बाकी है, लाइट वगैरह पूरी तरीके से लगकर तैयार हो चुका है और अंदर भी काम चल रहा है जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। जितने भी यहाँ पर ट्रक दिख रहे हैं आपको, लोलर दिख रहे हैं और जो है और जो सामान दिख रहे हैं वो सभी इसको बनाने में, सड़क बनाने में काम आ रही है। तो इसका भी काम जो है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। हालांकि पहले से जो इसका काम है वो अब अंदर हो रहा है तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कि इस समय कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ से उड़ानें हो रही हैं और कब तक सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई से ले उड़ानें होंगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दें कि पिछले वीडियो मैंने पूछा था कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बताए थे कि हम सऊदी से देख रहे हैं, कुवैत से देख रहे हैं, ओमान से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं। तो अगर आप तक अभी तक आपने भी कमेंट करके नहीं बताया तो प्लीज़ आप भी बता दीजिए ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों कुशीनगर से अभी फिलहाल में बात करें तो फिलहाल में नई दिल्ली के लिए उड़ानें होती हैं जो कि नई दिल्ली से कुशीनगर आती है और फिर से वही फ्लाइट कुशीनगर से यात्रियों को लेकर नई दिल्ली चली जाती है स्पाइसजेट एयरलाइंस के द्वारा कंपनी है। लेकिन दोस्तों कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और इधर के कमाने के उद्देश्य से बहुत सारे लोग विदेश गए हैं तो चाहते हैं कि कुशीनगर शुरू हो जाए ताकि हम लोग अपने माटी, अपने ज़िला के धरती पर उतरें, सीधे अपने कुशीनगर ज़िला में उतरें। लेकिन उन लोगों का जो सपना है वो बहुत ही दिनों से सपना ही सपना था, लेकिन दोस्तों फाइनली वक्त आ चुका है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इन सभी देशों के लिए उड़ानें होने की संभावना है। क्योंकि कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को विदेशों के साथ भी जोड़ दिया जाएगा। कुशीनगर में बौद्धिस्ट लोगों का भी आना जाना बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ है तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। साथ में जितने भी लोग सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, दुबई में रहते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदा होगा, वो सीधे कुशीनगर आ जाएंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा 2-3 महीने का टाइम लग सकता है। बाकी इसके बारे में आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।